ब्रांच अकाउंटिंग का डेटा सिस्टम कैसे सॉल्व करते हैं, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ऑलरेडी हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज अब करते हैं थर्ड वैरायटी जिसका नाम है फॉरेन ब्रांच। हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा ब्रांच अकाउंटिंग के ऊपर, फॉरेन ब्रांच का अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज फॉरेन ब्रांच, पहले फॉरेन ब्रांच समझते हैं। इस वीडियो में आपको फॉरेन ब्रांच का कंसेप्ट समझाऊंगा, व्हाट इज आईएफओ, व्हाट इज एनएफओ, और आईएफओ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एनएफओ के ऊपर प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में लेके दूंगा, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं व्हाट इज फॉरेन ब्रांच। इंडिया और यूएसए, हेड ऑफिस इंडिया में, हेड ऑफिस आपका इंडिया में, आप बिजनेस करते करते इंटरनेशनल चले गए, अमेरिका चले गए, तो आपने एक ब्रांच खोल लिया कैलिफोर्निया में, ठीक है। आपका हेड ऑफिस इंडिया में, ब्रांच आपका यूएसए में। सेकंड केस, फर्स्ट केस, आपका हेड ऑफिस इंडिया में है, ब्रांच अमेरिका में। उसका उल्टा, ब्रांच आपका इंडिया में और हेड ऑफिस आपका अमेरिका में, केस नंबर टू। केस नंबर थ्री, हेड ऑफिस आपका जो हेड ऑफिस जापान में, एचओ जापान में, और ब्रांच कनाडा में। तो सर इसमें से फॉरेन ब्रांच कौन सा है, इसमें से फॉरेन ब्रांच कौन सा है, देखो मैं शॉर्टकट बताता हूं। हेड ऑफिस इंडिया में, ब्रांच अमेरिका में, ब्रांच इंडिया में, हेड ऑफिस यूएसए में, फर्स्ट सिचुएशन एचओ इंडिया में, सेकंड सिचुएशन में ब्रांच इंडिया में, और थर्ड में कोई भी इंडिया में नहीं, तो इसमें से फॉरेन ब्रांच कौन सा है। सर ये वाला फॉरेन ब्रांच है, ये वाला फॉरेन ब्रांच है, ये वाला फॉरेन ब्रांच नहीं है, क्योंकि इसमें इंडिया है ही नहीं, तो कोई भी एक इंडिया में होना चाहिए, हेड ऑफिस हो या ब्रांच हो, दोनों में से एक अगर इंडिया में होगा उसको फॉरेन ब्रांच बोलते हैं। तो सर फॉरेन ब्रांच में करना क्या होता है, सुनो, इंडिया में चलता है करेंसी रूपीज, अमेरिका में चलता है डॉलर, तो होगा क्या, आप पहला अगर केस आ जाओ, कौन किसको रिपोर्टिंग करता है, ब्रांच रिपोर्टिंग करेगा हेड ऑफिस को, समझे ना। ब्रांच, हेड ऑफिस के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो ब्रांच अपना अपना रिपोर्टिंग करेगा कि आपका सेल कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हो गया वहां से। तो क्या होगा, हेड ऑफिस इंडिया में, ब्रांच अमेरिका में, तो ब्रांच वाले रिपोर्टिंग करेंगे, यहां पर ब्रांच रिपोर्टिंग करेगा हेड ऑफिस को, ब्रांच रिपोर्टिंग करेगा हेड ऑफिस को। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ब्रांच दूसरा कंट्री में, तो उसका सब करेंसी डॉलर्स में है, और हेड ऑफिस इंडिया में, तो रुपीज फॉलो करते हैं, तो उस डॉलर्स को कन्वर्ट करना है आपको रुपीज में, क्योंकि हमको दूसरे का लैंग्वेज नहीं समझता है। हम हेड ऑफिस की तरह इंडिया में ना, और ब्रांच अमेरिका में, तो अमेरिका वाले डॉलर से बात करेंगे, लेकिन हमको डॉलर्स नहीं समझता है, हमको रुपीज में कन्वर्ट करके दो, तो आपको क्या करना है, उस डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करना है, दैट इज फॉरेन ब्रांच। सेकेंड, यहां क्या हो रहा है सर, हेड ऑफिस अमेरिका में, ब्रांच इंडिया में, तो अब यहां कौन रिपोर्टिंग करेगा, ब्रांच रिपोर्टिंग करेगा हेड ऑफिस को, तो यहां ब्रांच जो आपका इंडिया में है, ब्रांच जो आपका इंडिया में, ब्रांच जो आपका इंडिया में दिल्ली में, ये रिपोर्टिंग करेंगे अमेरिका वाले को, तो हम तो रुपीस में रिपोर्टिंग करेंगे, लेकिन उनको नहीं समझता, उनको डॉलर्स में चाहिए सब, तो हम लोग यहां रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट केस में डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड केस में रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, थर्ड केस अपना काम का नहीं है, दो कंट्री आपस में कुछ कर रहे हैं, हमारा क्या करना है, दो कंट्री आपस में कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ओके, तो ये फॉरेन ब्रांच नहीं, ये वाला केस। अब होता क्या है, जब आपका हेड ऑफिस और ब्रांच अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, तो ब्रांच रिपोर्टिंग करता है हेड ऑफिस को, ब्रांच रिपोर्टिंग करेगा हेड ऑफिस को। अब उसमें दो मेथड्स है, एक का नाम है आईएफओ, दूसरे का नाम है एनएफओ। सर आईएफओ का फुल फॉर्म इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मींस इट इज अ फॉरेन ऑपरेशन द एक्टिविटी ऑफ व्हिच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दोस ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस। का मतलब होता है
हमने जो ब्रांच खोल के रखा है दूसरा कंट्री में, वो ब्रांच पूरा का पूरा हमारे पर डिपेंड है। आईएफओ में क्या होगा, आपने जो ब्रांच खोल के रखा है ना दूसरा कंट्री में, वो ब्रांच आपके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के ऊपर। जैसे कि गुड्स हम ही सेंड करते हैं, लोन का फाइनेंस हम ही करते हैं, खर्चा भी हम ही देते हैं, मतलब ईच एंड एवरी थिंग के लिए ब्रांच हमारे पर डिपेंड है। मतलब गुड्स हम बेचते हैं ना तभी वो लोग बेचते हैं, कुछ उनको पैसा चाहिए तो हम ही सेंड करते हैं, वहां से सेल होता है तो हमको ही सेंड करते हैं। मतलब आईएफओ में क्या होगा, ब्रांच हर एक चीज के ऊपर डिपेंड रहता है आपके ऊपर, मतलब समझ जाना डिपेंडेंट कंसेप्ट है, डिपेंडेंट ब्रांच बोल सकते हो। आईएफओ मतलब डिपेंडेंट, सीधा सीधा बोलेंगे तो अगर क्वेश्चन में स्टूडेंट फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन आया और नीचे लिखा रहेगा आईएफओ इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन है, तो उसके लिए रूल्स क्या, पांच उंगली दिया ना भगवान ने आपको, फाइव रूल्स याद रखे। व्हाट आर द फाइव रूल्स? रूल नंबर वन, मॉनेटरी आइटम। व्हाट इज मॉनेटरी आइटम? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कौन से? स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक एटसेट्रा। करंट लायबिलिटी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और भी कुछ करंट लायबिलिटी होगा सब। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कौन सा रेट अप्लाई करना है? क्लोजिंग रेट अप्लाई करना है। क्यों सर, लॉजिक क्या है उसके पीछे? बैलेंस शीट उस दिन का होता है ना, तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी उस दिन का था, तो वो दिन को करेंसी का रेट क्या था? तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कौन सा रेट अप्लाई करोगे? क्लोजिंग रेट। भूल गए तो शॉर्टकट याद रखना, इसका सी, इसका सी। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी कौन सा रेट अप्लाई करोगे? क्लोजिंग रेट। समझ में सब? सी 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 है, यू कैन सी इट। ओके, तो रूल नंबर वन, करंट एसेट करंट लायबिलिटी कौन सा रेट अप्लाई करोगे? क्लोजिंग रेट। सेकेंड, आपको ट्रैवलर्स के अंदर एसेट्स दिखाई देगा तो उसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी। हम इसको बेचने के लिए नहीं रखे, नॉन मॉनेटरी मतलब हमारा पैसा जो पैसा जल्दी निकल जाएगा, नॉन मॉनेटरी हमने बेचने के लिए रखा है। तो नॉन मॉनेटरी आइटम जैसे कि फिक्स एसेट, सर इसको कौन सा रेट अप्लाई करेंगे? आपने फिक्सर्स, अभी ईयर चल रहे 2019, आपने फिक्सर्स परचेस किया था 2016 में, तो 2016 का करेंसी रेट क्वेश्चन में दिया होगा आपको। तो फिक्सर्स पे कौन सा रेट अप्लाई करना? डेट ऑफ द परचेज। तो फिक्सर्स पे कौन सा रेट अप्लाई करना? डेट ऑफ द परचेज, मतलब जब आपने एसेट परचेस किया था वो दिन को रेट क्या था। मतलब फिक्सर्स पे कौन सा रेट अप्लाई करेंगे? डेट ऑफ द परचेज, मतलब जब आपने एसेट परचेस किया था वो दिन उसका रेट क्या था। ठीक है, नेक्स्ट। तो रूल नंबर टू समझा, रूल नंबर वन करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट, रूल नंबर टू फिक्सर्स पे कौन सा रेट अप्लाई करेंगे? डेट ऑफ द परचेज। रूल नंबर थ्री, ट्रेडिंग और पीनल अकाउंट, जैसे कि इनकम और एक्सपेंस के अंदर जो जो आप लिखते हो, जो जो आप ट्रेडिंग और पीनल अकाउंट में लिखते हो, परचेस, सेल्स, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, पीनल अकाउंट के अंदर सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, जो जो आप ट्रेडिंग और पीनल अकाउंट में लिखते हो सबके लिए कॉमन रेट, एवरेज रेट। क्यों मालूम है? जो ट्रेडिंग और पीनल अकाउंट में जो हम लिखते हैं ना पूरा साल भर में होता है, अब पूरा साल भर का रेट नहीं ढूंढ सकते ना 365 डेज का, इसीलिए ऑन एन एवरेज पकड़ते ना तेरा ना मेरा। तो जो जो आप ट्रेडिंग और पीरियड अकाउंट में लिखते हो सबके ऊपर कौन सा रेट अप्लाई करना? एवरेज रेट। लेकिन तीन लोग को छोड़ देना, तीन लोग पे एवरेज रेट नहीं लगाना। कौन कौन सर? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रिसिएशन। रूल नंबर थ्री, जितना भी ट्रेडिंग और पीरियड अकाउंट में लिखते हो सबके ऊपर एवरेज रेट अप्लाई करना, क्योंकि वो पूरा साल भर में होता है। तीन लोग के ऊपर एवरेज रेट अप्लाई नहीं करना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक और डेप्रिसिएशन। क्यों सर? ओपनिंग स्टॉक पे रेट लगेगा ओपनिंग, क्लोथिंग स्टॉक पे रेट लगेगा क्लोजिंग, और डेप्रिसिएशन एसेट्स में से आता है। ठीक है ना। आगे रूल नंबर फोर, अब सुनो ना, दो चीज का आंसर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा एडजस्टमेंट में। कौन सा सर दो है? इन द बुक ऑफ ब्रांच ट्रैवलर्स देते हैं आपको, मैं एक्सट्रैक्ट दे रहा हूँ, थोड़ा सा उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इन द बुक ऑफ ब्रांच ट्रैवलर्स देंगे गेस्ट डॉलर्स में, और ब्रांच को कुछ गुड्स मिला होगा, क्योंकि ब्रांच डिपेंडेंट है पूरा का पूरा किसके ऊपर? हेड ऑफिस के ऊपर। तो हेड ऑफिस ने कुछ गुड्स सेंड किया रहेगा और जो ब्रांच को मिला, तो ब्रांच लिखेगा डेबिट में गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, जैसे एग्जाम्पल $60,000। इसका आंसर कैसे दिया रहेगा? नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा, इन द बुक ऑफ एचओ गुड सेंट टू ब्रांच इज 30 lakhs rupees, लेकिन ये रहेगा डेबिट तो ये रहेगा क्रेडिट। फिर से बोलता हूं सर, ये इसका आंसर है। ठीक है ना, आंसर गिवन
इन एडजस्टमेंट, सुने, ब्रांच ने ब्रांच के लिए परचेस है तो एचओ के लिए सेल रहेगा ना, तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ब्रांच ने कुछ परचेस किया है तो कॉमन है एचओ ने सेल किया होगा, तो एचओ ने जो सेल किया रहेगा ना वो क्रेडिट सेल में लेगा, ब्रांच का परचेस एचओ का सेल, तो ब्रांच बोलेगा टू गुड्स फ्रॉम एचओ, तो नीचे एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा इन द बुक ऑफ एचओ एचओ हैज सेंड गुड्स ऑफ 30 लाख्स। समझा नहीं इसका आंसर है, क्लियर ना, मैचिंग फॉलो कर, एग्जाम में मैचिंग फॉलो करना, यहां बोला रहेगा गुड्स ना, तो नीचे एडजस्टमेंट में किधर गुड्स ढूंढना, मैचिंग मैचिंग वो उसका आंसर है, ठीक है। तो रूल नंबर 4 याद रहेगा, गुड्स फ्रॉम एचओ का आंसर नीचे एडजस्टमेंट में दिया होगा। नेक्स्ट लास्ट असेसमेंट इन द बुक ऑफ ब्रांच वापिस, और एक इंपॉर्टेंट एचओ, नॉर्मली क्या होता है हेड ऑफिस और ब्रांच, ब्रांच अपना बुक में कंपनी का प्रॉब्लम अगर सॉल्व करते हो तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिखता है, लेकिन ब्रांच वाला क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें शेयर कैपिटल नहीं दिखाई देगा, उसमें एचओ दिखाई देगा, शेयर कैपिटल की जगह पे एचओ दिखाई देगा। तो इन द बुक ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस एचओ क्रेडिट साइड में रहेगा, शेयर कैपिटल जैसा क्रेडिट साइड में रहता है, शेयर कैपिटल कैसे क्रेडिट साइड में रहता है वैसे एचओ रहेगा उसके रिप्लेसमेंट। तो एचओ अगर लिखा रहेगा 60,000 तो सर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा इन द बुक ऑफ एचओ ब्रांच शो से डेबिट बैलेंस। सर डेबिट क्यों बोलेंगे, ये डेबिट साइड है ना, ये आपका डेबिट साइड है, ये इनका क्रेडिट साइड है। देखो इन द बुक ऑफ ब्रांच एचओ क्रेडिट रहेगा तो नीचे एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा इन द बुक ऑफ एचओ ब्रांच शो से डेबिट बैलेंस। दोनों के लिए डेबिट नहीं हो सकता, दोनों के लिए क्रेडिट नहीं हो सकता, अगर इनके लिए क्रेडिट है तो इनके लिए डेबिट रहेगा, क्यों, इसका लॉजिक क्या है सर। ब्रांच बोलेगा सर मैं आपको 60,000, ब्रांच बोलेगा एचओ को सर आप मैं आपको $60,000 देना है, एचओ क्या बोलेगा ब्रांच को, ब्रांच आप हमको 30 लाख रुपीज देना है, ठीक है ना। तो दोनों करेंसी अलग अलग रहेगा, लेकिन ये इसका आंसर है, सुने ना, ये इसका आंसर है, आंसर गिवन इन द एडजस्टमेंट। तो 5 रूल्स याद रहेगा, क्या है आईएफओ का, आईएफओ का 5 रूल फास्ट रिवाइज करता हूं, आईएफओ का 5 रूल, तो आईएफओ अगर करते हो एग्जाम में तो 5 रूल ध्यान देना, करंट असेट करंट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट अप्लाई करने का, फिक्स्ड एसेट्स को डेट ऑफ द परचेस, ट्रेडिंग और पीरियड में जितना लोग होंगे सबके ऊपर एवरेज रेट 3 लोग को छोड़ देना, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रिसिएशन, और 2 लोग का आंसर एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, एक गुड्स फ्रॉम एचओ का और दूसरा एचओ का, उसका आंसर नीचे एडजस्टमेंट में रहेगा। जब हम ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करते हैं ना, जब ट्रायल बैलेंस को हम कन्वर्ट करेंगे दूसरा करेंसी में तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, डिफरेंस आएगा उसके अंदर, और जो डिफरेंस आएगा ना वो पीएनएल अकाउंट में घुमा देना। क्या लिखा है, रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंस ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, अगर डेबिट में डिफरेंस आएगा तो लॉस, क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो प्रॉफिट, बोल देना डिफरेंस इन एक्सचेंज, ठीक है ना। तो आईएफओ का रूल्स याद रहेगा, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अब आ जाओ एनएफओ पढ़ते, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, व्हाट इज नॉन इंटीग्रल, हमने कुछ ब्रांच ओपन कर दूसरा कंट्री में लेकिन हम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो हमने उस ब्रांच को बोला भाई तू हमारा नाम यूज कर बाकी खुद ही सब मैनेज कर, इसको इंडिपेंडेंट जैसा बोल सकते हो, इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, द बिजनेस ऑफ एनएफओ इज कैरिड ऑन सब्सटेंशियली इंडिपेंडेंट, देख रहे हो इंडिपेंडेंट वे, बाय एक्युमुलेटिंग कैश एंड अदर मॉनेटरी आइटम, खुद ही कैश अरेंज करेंगे, मॉनेटरी आइटम खुद ही अरेंज करेंगे, एक्सपेंस खुद ही करेंगे, इनकम भी खुद ही रखेंगे, और लोन अगर जरूरत पड़े तो खुद ही सब अरेंज करेंगे, मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के लिए वो लोग खुद ही करते हैं, मतलब वो लोग अपने पांव पे खड़े हो गए, हमारे पर डिपेंड नहीं है, हमारा बस नाम यूज करते हैं थोड़ा सा, कुछ पार्ट के लिए हमारे पर डिपेंड रहते, बाकी मेजोरिटी वो लोग खुद ही मैनेज कर लेते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं एनएफओ। अगर स्टूडेंट एग्जाम में एनएफओ वाला क्वेश्चन आया तो कुछ बातें ध्यान देना प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, क्या सर, हियर कम द 3 रूल्स, बैलेंस शीट में जितना भी करंट, बैलेंस शीट में जितना भी आप आइटम लिखते हो एसेट्स और लायबिलिटी, वो हो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, सबके ऊपर अप्लाई करने का रेट क्लोजिंग रेट, सुने सब पे कौन सा रेट अप्लाई करोगे, क्लोजिंग रेट, यहाँ अलग था ना, करंट असेट करंट एमटी पे क्लोजिंग अप्लाई किए थे और फिक्स्ड पे डेट ऑफ परचेस, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना, यहाँ पर मॉनेटरी हो नॉन मॉनेटरी हो सबके ऊपर कौन सा रेट अप्लाई करोगे, क्लोजिंग रेट, याद रहेगा, यस सर, गुड। तो रूल नंबर 1 क्या ध्यान देंगे,
बैलेंस शीट में जो जो दिखाई देगा आपको, मॉनेटरी हो नॉन मॉनेटरी हो, मतलब फिक्स्ड एसेट्स हो या करंट एसेट्स हो, करंट लायबिलिटी हो, सब पे क्लोजिंग रेट अप्लाई करना। ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में जो जो दिखाई देगा सबके ऊपर एवरेज रेट जो इधर पे था, लेकिन तीन लोगों को छोड़ देना ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रिसिएशन, क्योंकि ओपनिंग पे लगेगा ओपनिंग रेट, क्लोजिंग पे लगेगा क्लोजिंग रेट और डेप्रिसिएशन जो एसेट्स पे अप्लाई किए थे। लास्ट डिफरेंस स्टूडेंट, यहाँ पर डिफरेंस आएगा तो हम किधर घुमाए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ना, इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं लिखते। अगर एग्जाम में स्टूडेंट एनएफओ वाला क्वेश्चन आया तो जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा ना, जब करेंसी कन्वर्ट करोगे तो एक्सचेंज डिफरेंस होगा, ट्रैवलेंस टैली नहीं होगा, तो जो डिफरेंस किधर घुमाने का, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन रिजर्व के अंदर। सर ये किधर शो करेंगे, ये अपन लाइबिलिटी साइड में हेड ऑफिस के नीचे शो करेंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन रिजर्व याद रहेगा। तो एज्यूम करता हूँ आईएफओ और एनएफओ में डिफरेंस समझना है, इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आईएफओ के ऊपर नेक्स्ट सॉल्व करूंगा, एनएफओ के ऊपर ठीक है। अब एक प्रॉब्लम करेंगे हम लोग आईएफओ के ऊपर, ये क्वेश्चन आपको सी इंटर का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा ठीक है ना, ध्यान देना क्वेश्चन पढ़ लो। ऑन 31 दिसंबर द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक ऑफ चेन्नई ब्रांच ऑफ इंग्लिश फर्म हैविंग इट्स हेड ऑफिस एट न्यूयॉर्क। तो हमारा ब्रांच किधर है, चेन्नई में, और हमारा हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में। तो आईएफओ अगर करना है एग्जाम में अच्छे से तो 5 रूल वापिस रिकॉल कर देते, 5 रूल क्या ध्यान दोगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, क्लोजिंग रेट, फिक्स एसेट डेट ऑफ द परचेज, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट, एवरेज रेट। दोनों का आंसर दिया रहता है, गुड्स और एचओ का आंसर एडजस्टमेंट में दिया रहेगा ओके, ध्यान देना। तो ट्रैवलर्स में, ट्रैवलर्स देखें, ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेज दिया, सेल दिया, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीव, बिल्स पेबल, सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, फर्नीचर, बैंक बैलेंस, न्यूयॉर्क अकाउंट। इसमें जो न्यूयॉर्क अकाउंट है उसका आंसर नीचे दिया होगा, द ब्रांच एडजस्टमेंट में पढ़ो, क्लोथिंग स्टॉक दिया हुआ है, द ब्रांच अकाउंट इन द न्यूयॉर्क बुक शोस अ डेबिट बैलेंस ऑफ $13,400। ये किसका आंसर है, वो जो न्यूयॉर्क है ना ऊपर बैलेंस शीट में, वो न्यूयॉर्क अकाउंट है ना ट्रैवलर्स के अंदर, उसका आंसर है। ऊपर न्यूयॉर्क हेड ऑफिस है ना, ऊपर हेड ऑफिस लिखा रहेगा, तो नीचे ब्रांच ढूंढने का वो उसका आंसर होगा। तो उसका आंसर है कितना, 13,400। द फर्नीचर अपीयर एंड द फर्नीचर अपीयर इन द हेड ऑफिस बुक 1750। फर्नीचर का रेट डायरेक्ट दिया हुआ आंसर, फर्नीचर कन्वर्ट करने की जरूरत है, डायरेक्ट उसका आंसर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, द रेट ऑफ एक्सचेंज $1 is equal to the rate of exchange on $1 on 31 December 2011. Opening rate is 52. Opening rate is 52. Closing rate is 51 और average rate is 50. सुने? Opening rate is 52. Closing rate is 51. Average rate उन दोनों का बीच का 50. Prepare in the head office book the profit, the loss and balance sheet of the branch assuming integral foreign operation IFO. ठीक है ना? तो सबसे पहले steps. आपको क्वेश्चन मिलेगा ना पूरा छाप देने का, पूरा सेम कॉपी पेस्ट, ये देखो मैंने कॉपी किया यहाँ पे। तो आप एक ट्रायबलेंस बनाए, पहले इतना ही सॉल्व करना है, ट्रायबलेंस बनाना है, एक ट्रायबलेंस बनाना है, एक क्वेश्चन पूरा कॉपी पेस्ट कर दो आप, देखो क्वेश्चन जैसा दिखाई दे रहा पूरा कॉपी किया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीव, बिल्स पेबल, सैलरी, रेंट, फर्नीचर, बैंक, न्यूयॉर्क अकाउंट। अब जरा रेट देख लो, तो ओपनिंग स्टॉक पे कौन सा रेट अप्लाई करने का, क्वेश्चन में देखो रेट दिया था ना, ओपनिंग स्टॉक पे कौन सा रेट अप्लाई करेंगे, ओपनिंग रेट, व्हाट इज द ओपनिंग रेट, इस क्वेश्चन में ओपनिंग रेट है 52 है ना, 52। परचेज से जो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में था उस पर एवरेज रेट लगाते हैं, तो एवरेज कितना है इस पे, एवरेज रेट है 50। जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी होगा उस पे क्लोजिंग रेट अप्लाई करना, तो डेटर क्रेडिटर क्लोजिंग रेट अप्लाई करेंगे कितना अप्लाई करेंगे 51। बिल्स रिसीव बिल्स पेबल क्लोजिंग रेट अप्लाई करेंगे कितना अप्लाई करेंगे 51। सैलरीज एंड वेजेस ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में आता है, पीएनएल अकाउंट में आता है, सैलरीज एंड वेजेस प्रॉफिट लॉस में आता है, तो कौन सा रेट अप्लाई करेंगे, एवरेज रेट। रेंट प्रॉफिट लॉस में आता है, एवरेज रेट अप्लाई करेंगे। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स, देखो क्वेश्चन में दिया था ना फर्नीचर का करेंसी डायरेक्ट दिया था 170 डेबिट है ना, उसका आंसर डायरेक्ट दिया $1,750। सुने फर्नीचर का आंसर दिया हुआ। लास्ट बैंक बैलेंस करंट एसेट्स है ना, क्लोजिंग रेट अप्लाई करेंगे 51। एंड न्यूयॉर्क अकाउंट, न्यूयॉर्क अकाउंट का आंसर दिया था क्वेश्चन में, कितना दिया था, ब्रांच अकाउंट इन द न्यूयॉर्क बुक शोस अ डेबिट बैलेंस ऑफ 13,400। इसका आंसर दिया है,
ये क्रेडिट है ना, इसका आंसर भी क्रेडिट में लिखने का, $13,400 ये डॉलर्स है हम, दो रुपीस कॉलम दो डॉलर्स कॉलम, ये क्रेडिट है ना, इसका आंसर भी क्रेडिट में लिखने का $13,400। ओके अब क्या करना है सर, रुपीस को डॉलर्स में लेके जाने के लिए डिवाइड करने का, रुपीस से डॉलर्स में जाना का डिवाइड करना, उनका करेंसी छोटा रहता है लेकिन पावरफुल रहता है, तो सुनो 2,34,000 डिवाइड करने का, सुने ना डिवाइड करने का, क्या करोगे डिवाइड कर दो, डिवाइड में 52 करो, आंसर आता है ये डेबिट है ना, आंसर डेबिट लिखने का 4,500। चलो इसको 15,62,500 डिवाइड बाय 50 करो, आंसर आता है 31,250, इसको भी डिवाइड करो 23,43,750 डिवाइड बाय 50, आंसर आता है 46,875 डॉलर्स। 7,65,000 डिवाइड बाय 51 करो, आंसर आता है 15,000। 5,10,000 डिवाइड बाय 51 करो, आंसर आता है $10,000। अब इसको डिवाइड करते हैं 2,04,000 डिवाइड बाय 51 करो, आंसर आता है $4,000। 1,78,500 डिवाइड 51 करो, आंसर आता है $3,500। 1 lakh डिवाइड बाय 50 करो, आंसर आता है $2,000। 1,06,250 डिवाइड बाय 50 करो, आंसर आता है $2,125। 91,000 का आंसर रेडीमेड दिया था, इसको डिवाइड करते हैं 5,68,650 डिवाइड बाय 51 करो, आंसर आता है 11,150। एक बार इतना हो गया, अब टैली करते हैं, जब टैली करोगे ना तो क्रेडिट टोटल जाता है, तो पहले क्रेडिट टोटल कर लेते हैं 46875 प्लस 10,000 प्लस 3,500 प्लस 30,400 टोटल आता है 73,775। ये टोटल यहाँ लिखेंगे 73,775, इसमें से सब माइनस कर दो, माइनस 4,500 माइनस 31,250 माइनस 15,000 माइनस 4,000 माइनस 2,000 माइनस 2,125 माइनस 1,750 माइनस 11,150 डिफरेंस आता है 2,000 का, जो 2,000 का डिफरेंस आता है ना इसको बोलते हैं डिफरेंस इन एक्सचेंज, क्या बोलोगे डिफरेंस इन एक्सचेंज। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है सर, ये डिफरेंस अगर डेबिट में रहेगा ना, ये डेबिट में आया ना तो कहां लिखोगे, डेबिट में आएगा तो पीनल अकाउंट का डेबिट में लिख देना, ये डिफरेंस डेबिट में आएगा तो पीनल अकाउंट का डेबिट में लिख देना, कभी फ्यूचर में कोई क्वेश्चन में क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो पीनल अकाउंट में क्रेडिट में लिख देना, डेबिट ऑन द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑन द इनकम एंड गेन, डेबिट में आएगा तो लॉस है, क्रेडिट में आएगा तो प्रॉफिट है। ओके नेक्स्ट, अब आ जाओ क्वेश्चन में, देखो एक एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट देखो, एक ही एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में, क्लोथिंग स्टॉक, सुनो एडजस्टमेंट क्लोथिंग स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक कितना दिया मालूम है, रुपीस में दिया 6,37,500, लेकिन हमको सब डॉलर्स में चाहिए, ये रुपीस में, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, दैट इज कितना डॉलर्स होगा ये, इसको डिवाइड करेंगे क्लोजिंग रेट से, व्हाट इज द क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट कितना है 51 ना, तो 6,37,500 डिवाइड बाय 51 करेंगे, आंसर आता है 20, इसको डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे 51 से, तो डॉलर्स में आंसर आएगा 12,500, इसका डबल एफर्ट देंगे हम लोग, सुने ना डॉलर्स में चाहिए हमको, अब बाकी इजी है, अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना, अब क्या करना, एक बार ट्रायबलेंस बन गया, एक बार आपका ट्रायबलेंस बन गया कन्वर्टेड, हम लोग एक फाइनल अकाउंट बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट, लेकिन सुनो इसको नहीं देखने का, अभी डॉलर्स को देख के बात करने का, ये सब डॉलर्स है ना, सब देखो डॉलर 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 डॉलर, हर चीज डॉलर लिखने का। ओके तो ध्यान देना, सबसे पहला ट्रायबल स्टार्ट करते हैं, ट्रायबलेंस का सिंगल एफर्ट देने का, एडजस्टमेंट का डबल एफर्ट। ओके सो ओपनिंग स्टॉक कहां लिखेंगे, तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, कितना लिखेंगे हाथ रखा हूं 4,500, परचेज यही आता है तो लिखेंगे टू परचेज, कितना 31,250, सेल ये साइड है ना लिखेंगे बाय सेल्स, कितना 46875, डेटर बैलेंस शीट में आएगा लिखेंगे डेटर, कितना 15,000 आउटर कॉलम में, क्रेडिटर क्रेडिट साइड में आएगा तो लिखेंगे क्रेडिटर, कितना 10,000। आगे बढ़ते हैं बिल से रिसीवेबल, डेबिट वाला बिल से रिसीवेबल तो लिखेंगे बिल से रिसीवेबल, कितना 4,000,
ये है बिल्स पेबल, तो लिखेंगे बिल्स पेबल, कितना लिखू सर 3500। नेक्स्ट सैलरीज एंड वेजेस, यहाँ आएगा तो लिखेंगे टू सैलरी एंड वेजेस, कितना $2000। रेंट पे किया तो लिखेंगे टू रेंट, कितना 2125। फर्नीचर बैलेंस शीट में आएगा, फर्नीचर डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है, ऑर्डर में लिखते 1750। बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में आएगा, कितना लिखेंगे 11115। न्यूयॉर्क मतलब हेड ऑफिस, तो यहाँ लिखेंगे HO, तो HO का बैलेंस कितना है 13, इनर में लिखना 13400। समझ में आ रहा है, जो शेयर कैपिटल होता है ना उसके जगह पे HO लिखने का। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस इन एक्सचेंज भूल ना जाना, लॉस हुआ था ना, यहाँ लिखेंगे टू डिफरेंस इन एक्सचेंज, द डिफरेंस इन एक्सचेंज कितना 2000 का। ट्रेवलर्स का हमने सिंगल इफेक्ट दे दिया, अब आते हैं एडजस्टमेंट, एक ही एडजस्टमेंट है ना क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट, एक ही एडजस्टमेंट है ना क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट। एक तो आएगा ट्रेडिंग को ना क्रेडिट से, लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखेंगे 12500। सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना 12500, ऑलमोस्ट सब हो गया। टोटल करते हैं 46875 प्लस 12500 टोटल आता है 59375। ये टोटल यहाँ लिखेंगे 59375, इसमें से माइनस को तो माइनस 4500 माइनस 31250 डिफरेंस आता है 23625। क्या बोलेंगे इसको, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, सुने एजीपी नीचे आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना 23625। टोटल कर लेते हैं 23625, ये टोटल यहाँ लिखेंगे 23625, माइनस कर लेते हैं माइनस 2000 माइनस 2125 माइनस 2000, आंसर आता है 17500 इज द नेट प्रॉफिट इन डॉलर्स है, 17500 एचओ में ऐड करने का, ऐड अ नेट प्रॉफिट 17500 17500 इज द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नीचे लेके आने का, एचओ में ऐड करना, ऐड 13400 30900। व्हाट इज द टैली अमाउंट सर, 30900 प्लस 10000 प्लस 3500, टैली अमाउंट है 44400। ये सब टोटल कर लेते हैं 15000 प्लस 4000 प्लस 1750 प्लस 11150 प्लस 12500 सुपर 44400 इज द टैली अमाउंट। प्रॉब्लम कंप्लीटेड, एज्यूम करता हूं फॉरेन ब्रांच, एज्यूम करता हूं इस वीडियो में आपको आईएफओ और एनएफओ का डिफरेंस समझ में आया, उसका रूल्स एंड ये जो प्रॉब्लम मैंने करा है आईएफओ के ऊपर वो समझ में आया, एनएफओ के ऊपर प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, आप कमेंट कर रिप्लाई जरूर दूंगा। इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।